वेलकम टू पूनम की रसोई। ये देखिए आज हम बनाएंगे ये लटपटी मसालेदार अरबी की सब्जी। अगर अरबी आपको पसंद ना हो तब भी खाने का मन कर जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें। ये मैंने 500 ग्राम अरबी को अच्छे से धो के रख लिया है। अब इसे बॉईल कर लेंगे कुकर में डाल के। अब इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। कुकर बंद करके गैस पे रख देंगे। हाई फ्लेम पे दो सीटी लगने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। स्टीम निकल गई है, चेक कर लेते हैं। बॉयल हो गई है, इसे छील लेंगे। देखिए छील के रख ली है। अब इस तरह से 3 से 4 पीसेस में इसे काट लेंगे। सारी इसी तरह काट लेंगे। सभी अरबी को काट लिया है। पेस्ट बनाने के लिए 2 बड़े प्याज को रफली काट लिया है, 1 बड़ा टमाटर रफली कटा हुआ, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक ले लिया है। अब हम इन सबका पेस्ट बना लेंगे। जार में डाल लिया है, 2 बड़े चम्मच पानी डालकर पीस लेंगे। इस तरह से गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के गर्म कर लिया है। अब इसमें अरबी डाल देंगे। हाई फ्लेम पे अरबी को फ्राई करेंगे जब तक इस पर सुनहरी लेयर ना आ जाए। फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटक जाने पर जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। मसालों को अच्छे से भूनना है जब तक कि तेल ना छोड़ दे। देखिए बढ़िया भुन गया है, ऑयल भी रिलीज हो गया है। ड्राई मसाले डाल लेते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे सब मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसालों को जितने अच्छे से भूनेंगे टेस्ट उतना ही एनहांस होता है। मसाले थोड़ा ड्राई लग रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भूनेंगे जिससे मसाले अच्छे से भून जाएं। बढ़िया भून गया है। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, मिला लेंगे। हाई फ्लेम पे उबाल आ जाए तो अरबी डाल देंगे। उबाल आ गया है, अरबी डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे। हमें अरबी को ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इस पर लीड लगाकर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। देखिए मसालेदार अरबी की सब्जी तैयार है। टेक्सचर भी देखिए कितना बढ़िया आया है। अब इसमें थोड़ा बारीक कटा धनिया पत्ता डालकर मिला लेंगे। चलिए फ्लेम ऑफ करके सर्व कर लेते हैं। इस रेसिपी से आप ये अरबी की सब्जी ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। थैंक यू।